सदगुरु, संसारी व्यक्ति भी अपनी बुद्धिमत्ता व समझदारी से सुख दुख मान अपमान में समता भाव को साध लेता है तथा ज्ञानी भी अपनी साधना से समता भाव को साध लेता है, प्राप्त होता है। फिर दोनों में, दोनों के गुण धर्म में क्या अंतर है? क्या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए ही आध्यात्मिक जीवन जिया जाए व साधना की जाए? संसारी व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी समझदारी से सुख दुख मान अपमान में समता भाव साध लेता है, साध लेता है। और समता भाव जब प्रकट होता है उसमें फर्क है। जब एक व्यक्ति ऑफिस जाता है और उसका बॉस उसे डांटता है, फटकारता है या अप्रिशिएट करता है, अगर वो समता भाव साध रहा तो ये उसकी मजबूरी है। बॉस इज ऑलवेज राइट, आपको ऐसे ही रहना होगा वरना आप जी नहीं सकते, आपकी नौकरी चल नहीं सकती आसानी से। तो ये तो आपका दमन है, रूपांतरण नहीं है। एक आचरण है जो बाहर से साधा जाता है और एक आचरण है जो भीतर से आपका की खिलावट है, आपकी आत्मा से आया हुआ है। एक है जो बाहर से सीखा हुआ, वो ज्यादा देर नहीं चलता, वो समता भाव ज्यादा देर नहीं चलती। जब मृत्यु आएगी तब वो समता भाव नहीं रहेगा, फिर मृत्यु और जीवन बराबर वही पता चल जाएगा। कोई बीमारी आएगी तब पता चल जाएगा, नहीं 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 समता भाव कहाँ है, जैसे बीमारी वैसा स्वास्थ्य नहीं। एक समता भाव आता है जब हम बोध पूर्वक जीते हैं, जागरूकता पूर्वक जीवन को जीते हैं, देखते हैं जीवन को, जीवन के रंगों को देखते हैं, जीवन के ढंगों को देखते हैं और पाते हैं कि यहाँ उजाला है तो अंधेरा भी है, मान है तो अपमान भी है, प्रेम है तो नफरत भी है। ये जीवन द्वंद्वात्मक है, एक आया है तो दूसरा आने वाला है, ये जीवन का अनुभव बताता है। तो फिर पता चल जाता है कि कांटा चुभा है तो निश्चित रूप से फूल की महकार भी मिलने वाली है। तो ना तो कांटा चुभा तो मुझे चुभा ऐसा लगे, और ना तो फूल की महकार आई तो मेरे लिए आई ऐसा लगे। मेरे आसपास है, मेरे शरीर को लगी है, बस ये दूरी। और भी याद रखना, समता भाव तब सदता है जब हम स्वयं को जान लेते हैं। तो एक जो संत है उसका संतुलन जो आया है, समता भाव आया, समर्थ योग उसको घटित हुआ है, वो कैसे हुआ है? उसने स्वयं को जाना है और पाया है कि स्वयं जैसी कोई चीज नहीं है, दूसरा जब स्वयं नहीं तो दूसरा भी नहीं है। जब दूसरा नहीं है तो फिर कैसे असमता होगी? संभव ही होगा, फिर असमता तो हो नहीं सकती। तो याद रखना, समता भाव एक साधना की तरह है और एक परिणाम की तरह है। तो जो परिणाम की तरह आता है वो उपलब्धि पर आता है, स्वयं के मिटने पर आता है, अपने भीतर जाने से आता है, अपने आत्मा में स्थित होने से वो संतुलन की स्थिति आती है, साक्षी में रमने से वो तथाता भाव आता है। और जब वो तथाता भाव आया, यही समता है, यही समत्व योग है। या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए ही आध्यात्मिक जीवन जिया जाए या साधना की जाए? निश्चित रूप से जीवन का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य तो यही है। तो साधना तो इसीलिए करना है, ये जो जीवन मिला है इसके उद्देश्य को हम पूरा करके इस धरती से विदा हों। अगला प्रश्न है, राम स्वामी जी, ओशो से जुड़ने से पहले नाद मेरे लिए एक रहस्य था, बहुत क्यूरियोसिटी थी कि पता नहीं क्या है कैसा है। अब जब आपकी सहायता से सुन पाया हूँ तो ऐसा लगता है कि नाद का टेस्ट नहीं है। तो पहली बात, नाद का कोई टेस्ट नहीं है, आप बोल रहे हैं टेस्ट है। अब जब डूबेंगे इसमें, डूबते डूबते आपको टेस्ट आएगा, एक दिव्य स्वाद आपको घटित होगा। और जब नाद में आप डूबेंगे, डूबते 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 आप पाएंगे कि आप शांत होने लगे, आपके भीतर एक मस्ती छाने लगी,
आपके भीतर समता भाव आने लगा और वो जो कहते हैं ना बोरिंग है, मजा नहीं है, नींद सी आने लगती है, वो जो नींद सी आ रही है उस शांति कभी हमने जानी नहीं पहले। जब भी हम शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं तो सोने के लिए होते हैं, लेकिन जागे हुए शांत होने की कला हमने नहीं सीखी। जागे हुए शांत होने की कला का नाम ही ध्यान है ना। तो जब हम इसे सुनते हैं तो सुनते सुनते वो जो जो नींद कर रहे हैं वो संत उसको खुमारी कहते हैं। आधे जागे हो आधे सोए ऐसा लगता है, ये तो अच्छा अच्छा घटित हो रहा है ना, इसी को खुमारी कहते हैं कि जागे भी हो और सोए भी हो ऐसी शांति। और सो भी जाओगे कई बार, ऐसा भी होगा क्योंकि आदत नहीं है ना, जैसे ही शांति घटे फिर हम सो जाते हैं, हमारी आदत ये है पुरानी। लेकिन धीरे धीरे ये पुरानी आदत टूटेगी क्योंकि इसमें जो रस आ रहा है वो रस आपको जगाए रखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक दिन में वो बात हो जाए, वैसा नहीं। करत करत अभ्यास के जड़वती बोल सुना है ना, तो करना अभ्यास, बैठना होगा, समय देना होगा, तभी आप उसमें मिटते जाएंगे, उसमें घुलते जाएंगे। जैसे कि नमक है, अब बोलो डाला और घुल गया ऐसा नहीं, शुगर डालते हैं पानी में, चाय में डाल दी और घुल गए ऐसा नहीं, वक्त लगता है घुलने को, आप घोलोगे इसका एक टाइम है, वो टाइम देना होगा। आप सोचो डाला और घुल गया और मीठा हो गया, ऐसा नहीं, एक मिनट का एक टाइम, समय दीजिए। संसार के लिए तो हम कितना समय देते हैं, और हमारे पास बड़ा धैर्य है, बहुत प्रतीक्षा है और बड़ा रस है और खूब अभ्यास करते हैं संसार का, लेकिन इसमें परमात्मा के में डूबने का अभ्यास हमें जल्दी बोर करने लगता है क्योंकि हमारे भीतर वो प्यास नहीं है। जीवन का अनुभव, जीवन के जो खट्टे अनुभव है वही प्यास जगाते हैं। बाहर की विफलताएं, बाहर की कटुताएं हमारे भीतर प्यास पैदा करती है, और जब प्यास पैदा करती है तो हम उस प्रेम की तलाश में निकलते हैं, उस सुरक्षा की तलाश में निकलते हैं, उस धन की तलाश में निकलते हैं जो सदा सदा हमारे साथ है, अनकंडीशनल है, और वो हमारे भीतर है। इस नाद में डूबते डूबते, और आपने कहा आपके अनुरूप नहीं, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं, निश्चित रूप से हमने जो सोचा हमने सुना है और वो धारणाएं बनाई, इसलिए तो ओशो हर धारणाओं को तोड़ते हैं, हमारी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हैं। परमात्मा क्या नहीं है वो पूरा ओशो ने लंबा बताया, नेति नेति की प्रक्रिया, क्या क्या नहीं है धर्म, क्या क्या परमात्मा सत्य नहीं है ये बताया, आपकी हमारी पुरानी धारणाओं को, पुराने चर्च को गिराया, तब तो नया चर्च निर्मित होगा। हम सोचते हैं कि पुराना चर्च भी खड़ा रहे और नया चर्च भी बनाने लगे, कथा है ना, पूरा एक बहुत ही जर्जर चर्च था और लोग कहते थे कि अब इसको बनाना है, तो कहते थे पुराना है और हमने हमारे दादे परदादे पुरखे यहीं आते रहे, इसकी एक भी चीज हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसी में नया बनाना है, और वो चर्च कभी नहीं बना, कैसे बन सकता है। जो चीजें सड़ गल गई हैं, जो चीजें दीमक लग गया है, जो चीजें पुरानी मिसमैच हो गई है, कैसे हो सकता है। चर्च को, पुराने चर्च को गिराना होगा फिर नया भवन बनेगा। तो ध्यान तो यही है, नेति नेति की प्रक्रिया, क्या नहीं, मैं क्या नहीं हूं, तब पता चलेगा मैं क्या हूं। तो इसलिए सारी धारणाओं के पार परमात्मा, ठीक, आपको पता चल जाएगा, आपके भीतर जब आनंद आएगा तब आप भूल ही जाओगे कि मेरी धारणा के अनुसार नाद ने, मेरी धारणा के अनुसार परमात्मा ने, आपकी सारी धारणाएं चूर चूर हो जाएंगी और आनंद ही आनंद बरसने लगेगा जीवन में, आप निष्प्रश्न हो जाओगे। प्यारे सदगुरु को प्रणाम। दूसरों को आकर्षित या खुश करने का प्रयास करती हूँ, पता भी होता है जो ये गलत है, लेकिन इस आदत को छोड़ नहीं पाती, क्या करूं। दूसरे को खुश करने के लिए पहली बात तो जरूरी है कि हम खुश हो रहे हैं, हम अगर आनंदित हैं तभी हम दूसरे को खुश कर सकते हैं। ये तो खेल चल रहा है,
हर व्यक्ति दूसरे को खुश करना चाहता है और एक नर्क में बना के रहते हैं हम सब लोग। कहते हैं कि नर्क का रास्ता जो ना शुभकामनाओं से पटा हुआ है, कोई किसी को दुख नहीं देना चाहता, सब खुश करना चाहते एक दूसरे, लेकिन कोई किसी को खुश नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कोई किसी को खुश कर नहीं सकता। खुश कर सकता है स्वयं को। आप भीतर अपने जाओगे, आपके भीतर जो अनकंडीशनल खुशी है, जब वो आपको मिलेगी तब आपका होना खुशी देगा दूसरों को। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपकी प्रेजेंस दूसरों को खुशी देगी। अभी हमारी प्रेजेंस दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं देते, क्योंकि हम प्रॉब्लम में हैं, हम व्यथित हैं, हम बेचैन हैं, तो कैसे वाइब्रेशन छोड़ेंगे भाई, या हम कैसा व्यवहार करेंगे? उसी उलझाओं से निकला हुआ व्यवहार तो करेंगे, उसी धुएं से निकली हुई तो बातें होंगी हमारी। तो एक दुखी व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता, दुख ही दे सकता है। और सुखी व्यक्ति तब हो सकता है जब वो स्वयं के भीतर सुख को खोजे, हर एक दूसरे में कुछ सुख को खोज रहा है, दूसरे में सुख नहीं है। और दूसरी बात बोल रहे, आप आकर्षित करना आपको अच्छा लगता है, आप जानते भी हो कि ये ठीक नहीं है। दूसरे को आकर्षित करना आपको अच्छा लगता है। अब आप ऐसी जगह चले जाओ जहां आप आकर्षित हो जाओ, तो भूल जाओगे दूसरे को आकर्षित करना। ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम आकर्षित हो जाओ, डूब जाओ, मिट जाओ, खो जाओ, लीन हो जाओगे। परमात्मा जब तुम्हें आकर्षित कर लेगा सब भूल जाओ। दूसरे को आकर्षित करना, तभी लोग आपके आसपास होंगे, तब आपको जरूरत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ इसीलिए परमात्मा के प्रेम में मत जाना या खोज में मत जाना कि दूसरे लोग मेरे आसपास आ जाएंगे, फिर बात बिगड़ गई। तो आप तब तक अदर ओरिएंटेड रहोगे जब तक स्वयं में स्थित नहीं हुए हो, जब तक स्वयं में रस नहीं आया है, तब तक आपको भ्रम है ना कि दूसरा आकर्षित होगा तो इसमें आनंद मिलेगा, अपने होने का पता चलेगा कि मैं कुछ हूं। लेकिन जब भीतर जाओगे पता चलेगा मैं हूं ही नहीं, सब कुछ इतना सुंदर और रसपूर्ण हो जाएगा। एक रसपूर्ण व्यक्ति किसी को किसी की चिंता ही नहीं करता आकर्षित करने। एक फूल किसी को आकर्षित करता है क्या अपनी तरफ से? लेकिन लोग आकर्षित होते हैं। एक सुगंध किसी को आकर्षित खुद करती है क्या? नहीं करती, लेकिन लोग आकर्षित होते हैं। मिठास अपनी तरफ से किसी को नहीं आकर्षित करती, लेकिन लोगों को मिठास से आकर्षित होते हैं। तो आप की ऐसी गुणवत्ता हो जाएगी कि लोग आपसे आकर्षित होंगे। बुद्ध पुरुषों से क्यों आकर्षित होते हैं? उनका ऑरा इतना आकर्षक हो जाता है। क्यों ओशो के आसपास हजारों लोग बैठकर जो भाषा भी नहीं समझते थे, इतनी विदेश से आए हुए, इतनी असुविधाओं में रहते थे, वहां रहने का भी नहीं था, इतना बड़ा आश्रम भी नहीं था, और हजारों लोग झुकी झोंपड़ी में वहां करते रहे और सारे दिन ओशो के लिए काम कर रहे हैं, आश्रम में वर्शिप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओशो से एक ऐसा फूल खिला जिससे कि आकर्षित होके चले आते लोग। इतना प्रेम, इतना आनंद, तो आकर्षित होते हैं लोग, लेकिन करता नहीं है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को उपलब्ध हो जाता है, अपनी सत्ता में डूब जाता है, तो उसका परिणाम होता है कि लोग आकर्षित होने लगते हैं। लोग कहते हैं जोड़ियां रब बनाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति से हमें विवाह करना चाहिए? अब जब जोड़ियां रब बनाता है, तुम्हें पता करने की क्या जरूरत है? छोड़ दो अपने आप को। इस बात में कितनी सत्यता है कि लाइफ पार्टनर पहले से फिक्स है? सत्यता इतनी है कि तुम्हारी पसंद पहले से फिक्स है। तुम 5 बार भी पार्टनर चुनोगे तो एक जैसे ही चुनने वाले हो, ये फिक्स है।
स्वामी जी, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो तालू पर फिर माथे पर तनाव हो जाता है। कई बार वैसे भी तनाव या खिंचाव हो जाता है। ध्यान लगातार करूँ या रेचन करना होगा? रेचन निश्चित रूप से जब हम रेचन करते हैं तो ध्यान आसानी से, क्योंकि बेचैनी जो है वो शरीर के तल पर, मन के तल पर, ऐसे समझो कि कचरा आता ही रहता है। एक बार नहा लिया तो हो ही पाता, ऐसा तो नहीं रोज नहाते हैं। तो ऐसे ही हमें रेचन कर लेंगे, और रेचन करने का ये मतलब नहीं कि रोज ही आप चीखो चिल्लाओ। रेचन के और भी विधियां हैं। जब आप घर में होते हो तो एक्सरसाइज करना भी रेचन है, जॉगिंग करना भी रेचन है, पैदल चलना भी रेचन है, गाना गाना भी रेचन है, चीखना मुट्ठी बीचना भी रेचन है, पूरे शरीर की मांसपेशियों को अकड़ा लेना भी रेचन है, दांत खिटकिटना खिटकिटा लेना भी रेचन है। फिर नहीं खिंचा होगा, फिर माथा नहीं खींचेगा, क्योंकि पहले ही खींच लिया तुमने इतना। फिर तालू भी नहीं खींचेगा, तुमने पहले इतनी दांत खिंचा लिए, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये करके ब्रीदिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, डांसिंग कर लो, जो अच्छा लगता है वो करो। पहले शरीर के तल से शुरू करो, मन के तल पर जाओ, उसके ऊपर बाद में चेतना दे। निराकार ओंकार शून्यता में जाने पर साधक को क्या क्या फील होता है, और इस फीलिंग में साधक कितना टाइम रहता है? अरे शून्यता में क्या फीलिंग होगी, कैसा प्रश्न है ये? शून्यता कैसे हुई जहाँ फील कर रहे हो, और क्या कितना टाइम रहता? वहां टाइम ही नहीं रहता, टाइम लेस। कितना टाइम की कोई बात ही नहीं, कितने भी टाइम रह सकते हो। शून्यता में कोई फीलिंग होगी, ये अगर तुमने लोक बना दिया तो कभी भी शून्यता में नहीं जा पाओगे। शून्यता तो मिटने का साहस है, खाली होने का साहस है, फना होने का साहस है। जो इस साहस को जुटा लेता है वही शून्यता में प्रवेश करता है, और जो शून्यता में होता है वो आकर बताया नहीं जा सकता, कोई आज तक नहीं बता पाया और ना ही बता पाएगा, क्योंकि वहां कोई भाषा नहीं है। आप उसके आसपास की चीजों में जो बताओगे यहाँ की चीजों से, वो सिमिलर बहुत दूर दूर से करीबी लेते हुए होंगी, लेकिन फिर भी पूरी बात व्यक्त, वो अव्यक्त है तो कैसे व्यक्त करोगे? उस निर्गुण निराकार को कैसे बताओगे? इसलिए इसका अनुभव हो सकता है, और आपकी मौजूदगी उसकी अभिव्यक्ति को देगी, बोल कर नहीं, आपके होने मात्र से देगी।